बताइए मिसेस फुलचंदानी, अब की बार आपको आइब्रोज किसकी तरह चाहिए? सुष्मिता सेन। अरे पिछली बार तो मैंने उसी की तरह बनाए थे, फिर याद है आपको? दो दिन के बाद आकर आपने ऐश्वर्या राय की तरह बना के लिए थे। अरे क्योंकि वो सुष्मिता वाला स्टाइल मेरे हस्बैंड को पसंद ही नहीं आया। ओ तो लगता है आपकी बार उन्होंने अपना ओपिनियन चेंज किया। नहीं 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 नहीं, अब की बार मैंने मेरा हस्बैंड चेंज कर दिया है। चलती हूँ मैम साहब। क्यों काजल, काम हो गया? नहीं, आज आपके कपड़ों की धुलाई नहीं हो सकती। क्यों, फिर से तनख्वाह बढ़ाना चाहती है क्या? नहीं, आपका वॉशिंग मशीन खराब हो गया है। तो क्या हुआ, एक दिन कपड़े हाथ से धोले? बिल्कुल नहीं, नहीं तो मेरी शादी टूट जाएगी। क्या? हाँ, मेरा वो है ना, कौन, मेरा बॉयफ्रेंड पांडुरंग, उसने मुझे कहा है अगर तेरे हाथों में छाले पड़े ना तो मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। फिर मुंह पे छाले बनाओ क्या? क्या? और वैसे भी जिस घर में वॉशिंग मशीन वैक्यूम क्लीनर नहीं होता है ना, मैं उस घर में कदम तक नहीं रखती। ठीक है काजल, ठीक है, ये वॉशिंग मशीन मैं रिपेयर करवा लेती हूँ। मेम साहब, वो तुम्हारा सड़ियल वॉशिंग मशीन कितनी बार रिपेयर करवाएंगी, उससे तो अच्छा है नया ले लो। अरे लेकिन इस मशीन को तो सिर्फ 6 साल ही हुए है ना। तो क्या हुआ, वो तुम्हारी पड़ोस वाली मेरा, उसने 5 सालों में 3 वॉशिंग मशीन लिए है। लेकिन उसके साथ उसके 3 हस्बैंड भी बदले हुए है। चलता है, आजकल एक्सचेंज का जमाना है, पुराना दे दो और नया ले लो। मेरी मानिए तो आप भी चेंज कर दीजिए। क्या हस्बैंड? वॉशिंग मशीन। क्या वॉशिंग मशीन? हाँ, अगर हमने नई वॉशिंग मशीन नहीं खरीदी तो काजोल काम छोड़कर चली जाएगी। डार्लिंग ये काजोल कौन है? हमारी काम वाली बाई क्रिएश। काम वाली बाई का नाम काजोल है? तो क्या हुआ? लेकिन बाई के लिए मशीन एक्सचेंज करने की क्या जरूरत है, हम बाई को चेंज नहीं कर सकते। ना ना ना, आजकल फिल्म के लिए नई हीरोइन बड़ी जल्दी से मिल जाती है लेकिन काम वाली बाई नहीं मिलती। देखो राधु, जरा समझो, कुछ दिनों के बाद उस काजोल को चेंज करना ही पड़ेगा। क्यों? अरे जिस घर में हम जैसे हैंडसम और जियाले मर्द रहते हो, उस घर में ऐसी नखरे वाली बाई रखना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, तुम जानती हो? वो हम बाद में देखेंगे, पहले ये ऑफर पढ़ो। क्या है? क्या लिखा है इसमें? 20,000 की मशीन सिर्फ 10,000 में और 6 साल के बाद 10,000 भी वापस। है ना इंटरेस्टिंग ऑफर? क्या फायदा डार्लिंग, 6 साल के बाद तो मशीन भी वापस करनी पड़ेगी। क्यों? अरे हमारे घर में ऐसी मशीन टिकेगी थोड़ी। तुम मजाक छोड़ो ना कृष, 10,000 रुपए निकालो, मैं अभी जाकर मशीन बुक करती हूँ। अरे अभी कहाँ से दूँ? अच्छा बाबा, कैश नहीं है तो चेक भी चलेगा? अरे बैंक अकाउंट भी खाली है, मुझे लगता है क्रेडिट कार्ड से काम चलाना पड़ेगा। एक काम करो, तुम जाओ, मैं मशीन बुक करवाता हूँ। पक्का? पक्का। काजोल, राहुल, राहुल, हाँ? तुमने मेरे ये कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं डाले, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या करूं डार्लिंग, सुबह से काम 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 ओ रह गया। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, मुझे मालूम है तुम्हें मेरा इतना सा भी काम करना अच्छा नहीं लगता। रश्मि ऐसा मत कहो, आज तक किसी भी चीज के लिए मैंने तुम्हें मना किया है। राहुल, मैं कपड़ों के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं भी वही बात कर रहा हूँ ना, हमारा वॉशिंग मशीन खराब हो गया डार्लिंग। क्या, तो मैं आज शाम पार्टी में क्या पहन के जाऊंगी? साड़ी। राहुल, हाँ? ओ राहुल, हाँ? मैं एड एजेंसी की पार्टी में जा रही हूँ, महिला मंडल की मीटिंग में नहीं। तो क्या हुआ, कभी कभी चेंज के लिए साड़ी पहनकर जाना चाहिए ना डार्लिंग। वो ममता देखो, कभी कभी साड़ी पहनकर जाती है, कितनी अच्छी लगती है, और तुम ममता से कम थोड़ी ना हो। राहुल, मैं ये ग्रीन टॉप और येलो मिनी ही पहन के जाऊंगी। ग्रीन टॉप और येलो मिनी पार्टी में गोविंद आ रहा है? रश्मि, जब भी तुम ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर जाती हो ना, तुम्हारे लौटने तक मुझे टेंशन रहता है। प्लीज मेरी बात, आज साड़ी पहनकर जाओ ना। राहुल, मेरे पास साड़ी ही नहीं है। अरे हाँ, शादी के बाद तुमने कपड़ों के ऊपर 1-2 मीटर से ज्यादा खर्चा ही नहीं किया ना। एक काम करो, भाभी के पास बहुत सारी साड़ी है, उनकी पहन के जाओ। राहुल, येलो और ग्रीन मेरे लकी कलर्स है और मैं यही पहन के जाऊंगी। ओके रश्मि, भाभी के पास येलो और ग्रीन कलर की साड़ी भी है। अच्छा? हाँ। शट अप। अरे चालू हो गया। थैंक। आज भी कपड़े धुले नहीं। हर्ष, तू कब तक अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देता रहेगा कि तेरे कपड़ों में से पसीने की नहीं बल्कि डिओड्रेंट की खुशबू आ रही है। हेलो रवीना। हाँ रवीना। अरे तुम बुला और मैं ना, और रवीना इतनी मुश्किल से तुमने मुझे डेट दिया है। क्या कहा, मरून शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन कर रहा हूँ
अब इसे कैसे बताऊं कि दो दिन से मेरे कपड़े धुले नहीं है। नहीं 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 नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ जानू, मैं जानता हूँ तुम्हारा फेवरेट ड्रेस है, मैं वही पहन कराऊंगा। तो ठीक है जानू, 6 बजे लिटिल हार्ट्स गार्डन में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब तक के लिए लव यू। मरून शर्ट और ब्लैक जीन्स, मरून शर्ट इसमें से तो ऐसी बुआ रही है जैसे पास ही में से कचरे की गाड़ी गुजर रही हो। लेकिन गारंटी कार्ड हाथ में रखना किसी भी वक्त उसकी जरूरत पड़ सकती है। अरे नहीं क्रेश, इतना फैंटास्टिक मैकेनिज्म है, तुम्हारे बूढ़े होने तक चलेगा। देखो ऐसी लेटेस्ट मशीन के बारे में घर की काम वाली ज्यादा जानती है, एक काम करो हमारी काम वाली काजल को बुलाओ, उसके हाथों मुहूर्त करवाते हैं। नहीं मैं हूँ ना, मैं करती हूँ। अरे ये काम वाली बदल गई। भैया मैं रश्मि हूँ, राहुल की बीवी। अरे हाँ रश्मि, लेकिन ये राहुल कौन? भैया मैं। अरे हाँ सॉरी राकेश, सॉरी। एनीवे सबसे पहले मैं इस मशीन में अपने कपड़े धुलवाऊंगी। नहीं चीची, देखो मैं जानता हूँ कि चाचू जो हमारे हैं वो कंप्यूटर इंजीनियर है, मगर ये वॉशिंग मशीन ऑपरेट करना उन्हें नहीं आता है, तो इसीलिए ओपनिंग मैं करूंगा। इस वॉशिंग मशीन का मुहूर्त हम आज करेंगे ही नहीं। मगर क्यों मॉम? क्योंकि आज का दिन बड़ा ही मनहूस है, आज ही के दिन तू पैदा हुआ था। ऐसे कुछ नहीं है हर्ष, पंडित जी ने मुझे बताया था कि कल का दिन अच्छा है, सो मुहूर्त कल करेंगे। ओफो भाभी ये सब फिजूल की बात है, अब देखो ना पिछले साल इसी दिन में हमने अपने एड एजेंसी की ओपनिंग की थी, तभी तो वो घाटे में चल रही है। डिफरेंट इश्यू। वही दैट इज डिफरेंट। नहीं नहीं रश्मि, आज का दिन वाकई बड़ा मनहूस है, एक तो आज के दिन ये पैदा हुआ था और आज ही के दिन जापान गवर्नमेंट ने हमारे होनहार राहुल को इंडिया वापस भेज दिया था। भैया प्लीज मत याद दिलाए मुझे वो मनहूस बात। अच्छा तुम लोग सुनो, मैं आज मैके जा रही हूँ। परमानेंट? परमानेंट नहीं जा रही हूँ, कल वापस आ रही हूँ। तब तक मेरे मशीन को अगर किसी ने भी हाथ लगाया तो इतना भी मालूम नहीं, तो मुझसे बुरा कोई नहीं। जी अगर आज की मेरी रवीना के साथ डेट कैंसिल हो गई तो रवीना मुझसे कभी बात नहीं करेगी। अरे अरे हर्ष हर्ष, तुम रवीना का टेंशन मत लेना, वो आज नहीं तो कल वापस जरूर आ जाएगी। लेकिन अगर आज मैं पार्टी में नहीं गई ना तो पार्टी के बाद बॉस को घर तक छोड़ने के लिए कोई नहीं होगा। क्या कह रही हो चीची? बॉस को छोड़ने के लिए आपको घर जाना पड़ता है? नेचुरली आज पार्टी है, वो फुल टाइट होंगे। हर्ष कोई आइडिया सोच सोच। ओ, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो, मैं सोच रहा हूँ ना। यही तो परेशानी है चाचू कि आप सोच रहे हो और कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक्सीडेंट? ऑब्वियसली चाचू, अगर आपके दिमाग में आइडिया टकराएंगे तो उसे एक्सीडेंट ही कहा जाएगा। हर्ष सॉरी सर। एनीवे हर्ष एक्सीडेंटली भी इनके दिमाग में कोई एक्सीडेंट नहीं होने वाला है। रश्मि ओके ओके हर्ष, अगर तुम एक थोड़ा सा भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें एक तरकीब बता सकती हूँ। रिस्क रिस्क हाँ वही वही, वो तो मैं जब 4 साल का था तब से मैं उठा रहा हूँ। वो कैसे? मैं बिना सोचे समझे अपने बुलक्कर बॉब के साथ ना मेले में चला गया था। शुक्र है तुम कहीं खो नहीं गए। एनीवे भाभी एक दिन के लिए मैके गए हैं, तो क्यों ना हम उसी वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धुलवाए। एक सेकंड के लिए मैं मार खा गया, मेरे दिमाग में भी यही आइडिया था। छोड़ती है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, चलो अपने कपड़े धुला देते हैं। होल्ड इट भैया का क्या करेंगे? उनका क्या करना है, वो तो अभी तक ये भी भूल गए होंगे कि हमने कोई वॉशिंग मशीन खरीदा है। लेकिन फिर भी कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करे? आइडिया, नया आइडिया, उसी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं। अरे भाई दिनशु क्या हुआ उस डॉक्टर वाले डिवोर्स केस का? डॉक्टर वाले वो कौन रहा है? अरे जिस डॉक्टर की बीवी कंपाउंडर के साथ भाग गई है उसकी बात कर रहा हूँ। वो आई एम सॉरी यू कैन डू एनीथिंग, वो बेचारा कंपाउंडर का एकदम तात्कालिक डेथ हो गया। तात्कालिक डेथ मतलब? वो कंपाउंडर को निमोनिया हो गया था और नखोट गया इडियट को कोई दूसरा डॉक्टर नहीं मिला तो वही डॉक्टर की बात दवा किया। हाँ, और वो डॉक्टर ने जब MBBS के एग्जाम में अपीयर हुआ था ना वो निमोनिया का चैप्टर छोड़ दिया था। डेथ हो गया मतलब उस डॉक्टर वाली डिवोर्स केस हाथ से गई ना? नहीं नहीं डोंट वरी दूसरा कंपाउंडर आया है, उसका फिटिंग चालू है। अच्छा दिनशु मेरे भाई कुछ जल्दी से चक्कर चला, क्या है पैसे की बहुत कड़की चल रही है। हाँ जरूर जरूर। हेलो कट कर दिया। अरे डैड 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 हमें कपड़े धोने।
कपड़े धोने हैं। हाँ तो धो लो, धो लो। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। थैंक यू चाचा जी। देखना पांच मिनट में डैड ये भी भूल जाएंगे कि हमने इसमें कपड़े धोए थे। जल्दी करो, हाँ जल्दी करो। ओके, मिनट स्टार्ट करने से पहले भगवान का नाम लेना। चीची, किस बेवकूफ ने चाचा को कंप्यूटर इंजीनियर बनाया? तुम्हारे ही डैड ने। हाँ फिर ठीक है। नो 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 चाचू, वॉशिंग मशीन का उद्घाटन आप करोगे तो स्विच ऑन। यस, डरिए मत, आपको इलेक्ट्रिक का झटका नहीं लगेगा। करिए ना, करिए ना। ठीक है, अब इतनी इज्जत दे रहा है तो मैं करता हूँ। देखा, मैंने कहा था मशीन चालू करने से पहले भगवान का नाम लेना। चाचू, स्विच ऑफ कीजिए वरना हमारे कपड़े जल जाएगा। कोई बात नहीं यार, ये रश्मि का ग्रीन टॉप और येलो मिनी एक ना एक दिन मेरे हाथ से जलना ही था। राहुल, अरे मारिए गोली इस मिनी और टॉप को। अगर हमारे घर में धुआं फैलते हुए पड़ोसी ने देख लिया तो फायर ब्रिगेड वालों को फोन करें। ओह माय गॉड, अब हम क्या करेंगे? एक मिनट, मैं सोचता हूँ। आप पूरा एक मिनट सोचेंगे? छोड़िए, मैंने ऑलरेडी सोच लिया। ओके, फोन के आने से पहले हम इस मशीन को रिपेयर करा देते। एक सेकंड के लिए मैं मार आ गया। मैंने बिल्कुल ऐसा ही सोचा। राहुल, जल्दी से एक अच्छे मैकेनिक को फोन कर लो। रश्मि, मैकेनिक की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। राहुल, तुम इस वॉशिंग मशीन को रिपेयर करने वाले हो? हाँ। आज तक तुमने वाटर फिल्टर भी रिपेयर नहीं किया है। ओ, वाटर फिल्टर, जब मैं जापान में था ना तो सीढ़ी पे चढ़ के मैंने सैटेलाइट रिपेयर किया है। चीची, इनकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की है? 5 लाख की। क्यों? चीची, जल्द आप लखपति बनने वाली है। चाचू, आप लगे रहिए, मैं फोन करके आता हूँ। ठीक है, जब तक जरा मैकेनिक आता है तब तक तो ये वॉशिंग मशीन रिपेयर भी हो गया होगा। ऑल द बेस्ट राहुल, मैं जल्दी लखपति बनने वाली हूँ। हेलो भाई, A1 इलेक्ट्रिकल्स। ओ पापा जी, ओ बंटा सिंह, मैं बोल रहा हूँ। हर्ष। ओए हर्ष, की हाल है? चंगा था ना? ओ सब ठीक ठाक है यार, सिर्फ मेरी वॉशिंग मशीन जल गई यार। हर्ष, तेरे को कितनी बार मैंने बोला भाई, पुरानी वॉशिंग मशीन है, इसको फेंक दे और नई चंगी खरीद के ला। ओए मन, नई की बात करो बंटा। नई खरीदी और जला भी डाली। ओए बापे, कोई अपनी नई वॉशिंग मशीन जला देता है? अपने आप जल गई यार, तू आके उसे रिपेयर कर जा। चल हाँ, तो फिक्र ना कर, मैं अभी पहुंचता हूँ। अच्छा सुन, और तेरे घर की घंटी है ना, वो चालू रखना। पिछली बार किसी काम से तो आया था वहाँ पे, मैं वो घंटी बजा बजा के वहीं सो गया, किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला यार। ओए बंटे, तुम मेरी घंटी रिपेयर करने के लिए आया था तो घंटी बज कैसे सकती है? ऐसी गलती हो ही जाती है कभी कभी। तू जल्दी आके रिपेयर करके जा। चल भाई। क्या बात है बेटे, इतने चिल्ला चिल्ला के किसके साथ बात कर रहे हो? लॉन्ड्री वाले को फोन किया था अपने कपड़े दिए वापस करने के लिए। बेटे, ये हमारे घर में जलने की बू आ रही है। हो सकता है लॉन्ड्री वाले ने अपने कपड़े जला दिए। ओ अच्छा, क्या तू मुझे बेवकूफ समझ रहा है? लॉन्ड्री से बू यहाँ तक आएगी कि कुछ और चल रहा है? हमारे घर में तो कोई किसी से इतना चलता भी नहीं। ये भी तो है, फिर ये बू कहाँ से आ रही है? I think that ये मेरे नए परफ्यूम की है। अच्छा, क्या नाम है तेरे परफ्यूम का? On fire। On fire। जल जाएगा ये लड़का, एक दिन ऐसे ही जल जाएगा। चाचू, तुझे चाचू का आवाज क्यों रही है? और बंटा सिंह और मेरा मैकेनिक तो गजब का मैकेनिक है, इतनी जल्दी कैसे आ गया यार? हाँ, क्या हुआ? यही राहुल। अच्छा चाचू, आपकी हालत एकदम अफ्रीकन आदिवासी की तरह क्यों हो गए? वॉशिंग मशीन रिपेयर कर रहे थे ना, तो बच्चे कुछ पार्ट्स का भी अंतिम संस्कार कर दिया है। क्या हालत है तू चाचू? ओए हर्ष यार, बता दे किधर मशीन, अभी ठिकाने लगा देता हूँ। क्या? नहीं मतलब ठीक के देता हूँ यार। ओ बंटे, ये रहा मशीन। ये मशीन है? मैं सोच रहा था मशीन की जेरॉक्स कॉपी यार। अरे यार, ये मशीन ठीक करने के लिए ग्रैस से किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। बंटे भी होगा सर। अरे यार, ये मशीन मैं तो क्या, कंपनी वाले भी ठीक नहीं कर सकते है। ओ तो बता इसका क्या करे यार? एक काम कर, आसपास कोई भंगार वाला होगा ना, उसको पकड़ में दे देना यार। राहुल, अब एक नया मशीन खरीदने के अलावा हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। ₹20,000। राहुल, तुम एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो? थैंक्स। नया मशीन का भाव मालूम है? ₹20,000। क्या? हाँ। डोंट वरी, मेरे पास ₹10,000 है, बाकी के पैसे तुम दे देना। अरे मेरे पास शेविंग करने के पैसे नहीं है, सलून में उधारी चल रही है। हर्ष, तुम्हारे पास कितने रुपए है? ₹50 चीची। ओहो, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गया। कोई बात नहीं, मैं कुछ सोचता हूँ। आप सोचेंगे? चीची, ये सोच रही है जब तक हम सैर करके आते। चलो। कौन है यार? हेलो। कौन? हर्ष। हेलो मॉम। हर्ष क्या हुआ, तेरी आवाज इतनी डरावनी क्यों लग रही है? वो कल बारिश में भीगा था ना मॉम, इसीलिए वायरल इन्फेक्शन हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तू एक काम करना, नमक के पानी से गरारे करना। ठीक है मॉम। अब आपका आपका बारी है, मैं बस निकल ही रही हूँ।
एक्चुअली क्या है ना हर्ष, मेरी मम्मी मुझे नहीं छोड़ रही है। आप रुक जाइए ना, रुक जाइए मम, रुक जाइए। नहीं नहीं, आज वॉशिंग मशीन का मुहूर्त जो करना है। वॉशिंग मशीन? फिर क्या हुआ? वायरल इन्फेक्शन। आप आ जाइए माँ, मैं जब तक नमक के गरारे करके वॉशिंग मशीन ठीक कर देता हूँ। मेरा मतलब मैं गला ठीक कर देता हूँ। क्या बात, चाचू? मुआ मारी है चाचू, मुआ मारी है। आपने तो बंदी बात बिगाड़ दी चाचू। क्या करूं हर्ष, वो कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरे नाकामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ है, मेरी बीवी। आप उसे बदल क्यों नहीं देते? I'm sorry, चाचू, I'm sorry, नहीं, I'm sorry. अच्छा आइडिया, गुड। अरे आप छोड़िए ना चीची को। मैं तो कहता हूँ आप डैड को साफ साफ बता दीजिए। चलो ठीक है, जब बैड लक चल ही रहा था एक और पंगा ले लेते। विश मी लक, बैड ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। राहुल मेरे भाई, मैंने तुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनाया है, ये वॉशिंग मशीन के साथ खेलने की क्या जरूरत थी? क्या करूं भैया, आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, मैं कंप्यूटर के साथ सिर्फ ऑफिस में खेलता हूं। चलो ठीक है, तेरी तरक्की के लिए मैं ये घाटा भी सहन कर लूंगा। यानी भैया आप ऊपर के पैसे देने के लिए तैयार हैं? अब क्या करूं, तू एक काम कर, सबका कंट्रीब्यूशन जमा कर ले, मैं ऊपर के पैसे डालकर नई वॉशिंग मशीन बुक करवा लूंगा। ओह थैंक यू भैया। अरे चीची मेरी वाली, सब की घड़ी ठीक से चल रही है, देखने की जरूरत नहीं है, 5:30 बज गए हैं। अरे भैया फिर वॉशिंग मशीन क्यों नहीं आ रहा है? भाभी किसी भी वक्त आ सकती है। मशीन आ जाएगी, आ जाएगी, मशीन भी किसी वक्त आ जाएगी। डिलीवरी ले ले, जा जा। आ गया वॉशिंग मशीन, आ गया। हेलो हेलो, वॉशिंग मशीन आपके पास? मिक्सी है? हाँ मिक्सर भी है। गुड। वीसीआर है? हाँ वीसीआर भी है। दैट्स ग्रेट। और टेलीफोन? टेलीफोन भी, हम लोग बहुत पैसे वाले हैं, सब कुछ है। लेकिन आप कौन है? मैं आपकी नई नेबर हूँ, मिसेस गुप्ता। अच्छा हाँ। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही थी? क्या है, अगर आपके पास ये सब चीजें हैं तो हमें खरीदने की जरूरत नहीं है ना। तो क्या है, दो चीज तो आपको खरीदनी पड़ेगी। तो? हाँ, बर्तन और बिस्तर, बाकी सब हम संभाल लेंगे। ओके, बाय 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 बाय। क्या हुआ? मैं ये पूछना भूल गई कि आपके पास वॉशिंग मशीन तो है ना? वॉशिंग, देखा कैसे कैसे पड़ोसी है भैया। फॉरगेट इट राहुल, भैया आपने सही पता दिया या गलत? नहीं सही पता दिया था, कृष्ण कुंज ग्राउंड फ्लोर साइकिल वाड़ी के पास, सांता क्रूज वेस्ट। अरे पता तो सही है। अरे सही पता है तो वॉशिंग मशीन क्यों नहीं आ रहा है? अरे आ जाएगी बाबा, आ जाएगी। आ गई। भाभी आप? भाभी आप? राजू तुम? आप कृष, क्यों 6 बजे का मुहूर्त नहीं है? पंडित जी ने यही डायल किया है ना वॉशिंग मशीन का मुहूर्त करने के लिए। भाभी आप कितनी थकती है, बारह बजे आपके लिए ठंडा लाऊं? क्या बात है राहुल, तू आज ठंडा पिला रहा है? ओ उस माहौल ही कुछ ऐसा है, माहौल गर्म है ना। गर्म? अरे बाहर तो बारिश हो रही है। वो अंदर की बात और है, बाहर की बात और है। यहाँ तो वॉशिंग मशीन कहाँ गया? क्या है, मैंने तुम लोगों को कहा था ना हाथ नहीं लगाने का, करके कहाँ गई वॉशिंग मशीन? कहाँ गई वो? कहाँ गई वॉशिंग मशीन? हमने छुपा ली। छुपा क्यों? हाँ वो क्या है कि पड़ोसी आते हैं तो लग जाएगी भाभी। कभी यहाँ की चलने की बुरा नहीं। भाभी आपको पता नहीं यहाँ सब बहुत जलू है। वो देखो वर्मा, ये वर्मा अंदर जा, अंदर जा, हॉल में भी जानने लगा। आपने जो पोर्टेबल स्विंग मशीन मंगाया तो आ गया। आ गई, देखा आ गई ना। अरे राजू तुम्हारे लिए डार्लिंग। मेरे पिछले बर्थडे पे तुमने प्रॉमिस किया था इतनी जल्दी खरीदने के। प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस राजू। एंड योर प्रॉमिस, अब देख रहे तुम, इसी मशीन पर मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा शर्ट सिलूंगी। चलो इस बहाने तुमने दो दो मशीन आ गई है, फ्रेश होकर आती हूँ, फिर दोनों मशीन का मुहूर्त एक साथ करते हैं। ओके राजू, ओके। देखा मेरी राजू कितनी खुश हो गई। बहुत खुश हो गई सर। आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया? अरे आपने कहा था वॉशिंग मशीन बुक करने के लिए, स्विंग मशीन बुक करा। अरे हाँ, ओ माय गॉड, हम अब क्या करें? डोंट वरी राहुल, इसका भी हल है मेरे पास। क्या हल है? तुम सब पैसे जमा करो, मैं एक नई मशीन के लिए ऑर्डर देता हूँ।